अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। जहीराबाद जिले में मिनी हज हाउस की इमारत का रखा गया संग बुनियाद। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव और रियासती हज हाउस के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज 27 दिसंबर 2022 को ज़िले जहीराबाद का दौरा करते हुए वहां तेलंगाना मिनी हज हाउस की इमारत के तामीर का संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा एमपी लोकसभा बीबी पाटिल, जहीराबाद एमएलए के मानिक राव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए शरद, एडिशनल कलेक्टर जी वीरा रेड्डी और राजेश्वरी आरडीओ रमेश बाबू, तहसीलदार जे स्वामी, आरएमवी डिप्टी इंजीनियर नरसिम्लू, टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद तनवीर के अलावा दीगर एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे सीनियर नुमाइंदे हमीद खान की ये खसूसी रिपोर्ट में चंचलकियाँ। हर अहम और ख़ास खबर के लिए वी कैप्चर न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ये लोग एक कोऑर्डिनेट करके, एक प्लानिंग करके आज पूरी फील्ड में, आज हरीश भाई जो है ना, केटीआर साहब, हरीश भाई साहब, ये पूरा एक मिलकर ड्राइवर जा चुका हूँ, ड्राइवर ले चुका हूँ मैं, क्योंकि हर एक से जो छूटे ऐसा ले लिया रखिए नहीं, और आपका नोट करा के उसका काम करा दे, तो ऐसे लेटरों की हमारे तेलंगाना में सुनत है। और ये हमारी इनके बच्चों को, इनके घर वालों को, इनके खानदान को, सबको मैं दिल की कह रहा हूँ, हरीश भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हज कैंप के टाइम पे भी आज तक कभी भी काम ऐसा नहीं हुआ, तो आज हमारा हज कैंप भी जो है नंबर वन आया पूरे तेलंगाना स्टेट में, पूरे इंडिया लेवल में, पूरे इंडिया लेवल मासूम। दिल्ली में सरकार ने आवाज दिया हज यात्रियों के लिए, जो सहूलत करे, जो सेवा करे, सबसे अच्छा तेलंगाना के हुकूमत में हुआ बोल के दिल्ली बुला के अपने हज हाउस को अवार्ड दे चुके हैं। वो इंडिया में तेलंगाना स्टेट इज द नंबर वन है यात्रियों के लिए सेवा करे बोल के, अच्छा अवार्ड, नंबर वन अवार्ड अपने के लिए मिल चुके हैं। ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में। आज क्या हो रहा है, आप सब अखबार में पढ़ते, पेपरों में देखते, ये क्या कर रहा है भाजपा पार्टी, आप जानते हैं क्या हाल बना है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसी हाल ये लोग बना रहे, आप भी आप सब जानते हैं। लेकिन केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में आज तेलंगाना में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई मिलजुल के अच्छा चल रहे हैं, सबके लिए सोचते हैं केसीआर साहब ने, या हिंदू या मुसलमान, जो गरीब है वही हमारा मेहमान है, जो गरीब है उनका सेवा करने के लिए सीएम साहब बोलते रहते हैं। देखो कल्याण लक्ष्मी हिंदुओं के लिए लाए तो शादी मुबारक, माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए सीएम साहब लेके आए, जैसा एससी एसटी बीसी स्कूल हिंदू बच्चों के लिए लाए, गरीब के लिए माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के लिए भी लाए हैं, ऐसा हर कोई स्कीम में भी सबके लिए सीएम साहब सोचते हैं। भाइयों बहनों, फरीद साहब के लिए भी, मैं अभी एमएलए साहब से बात कर रहा था, जहीराबाद शहर में फरीद साहब का कोई अच्छा स्टैचू लगाना चाहिए, जल्दी एक जमीन देखो, फरीद साहब इतना सेवा करे, अपने लिए इतना इज्जत रखे हैं, उनका नाम रखना अपना फर्ज बनते हैं, अपन सबका जिम्मेदारी बनते हैं, एक अच्छा जमीन देखो, उनका एक अच्छा स्टैचू भी लगाएंगे। मैं पूछ रहा था हमारे एमएलए साहब से, कोई नाम भी लगाएंगे, वो रोड ओवर ब्रिज बन रहे, नहीं तो आज एक ब्यूटीफुल मार्केट 10 करोड़ रुपए से एक अच्छा मार्केट बने, उस मार्केट हमारे भाई बोल रहे मार्केट का नाम लगाओ, वो मार्केट का नाम फरीद साहब का नाम लगा देते हैं, उनका सेवा बहुत अच्छा है, जो सेवा करते हैं उनको याद रखना, याद रखे तो अपने लिए नहीं, ईमानदारी की बात है, ईमानदारी जो अपना सेवा करे, जो अपने लिए काम करे उनको याद रखना, जहाँ जहाँ ये शुरू करना बहुत ही अच्छी दिन है। मैं भी आप सबके तरफ से हमारे सलीम भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, 1 करोड़ तो हम मंजूर कर लिए थे, 2 करोड़ सलीम साहब ने उसको जोड़ दिए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम भाई वो हज से देते या खुद से देते मुझे नहीं मालूम, तो 1 करोड़ तो देते हैं, बांटते रहते हैं, मेरे को उनके ऊपर उतना हक भी है, घर पे जाके चेक भी लेके आके आपको दे सकता हूँ। और आज बहुत अच्छा काम